टू ऑल माई व्यूअर्स, माई ब्यूटीफुल सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं बच्चों के लिए जो है वो देसी चूरी बना रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने उसके लिए क्या लिया है। एक चपाती, एक अदद चपाती ली है, और इसमें मैं मक्खन यूज़ करूँगी, दो तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और इसमें थोड़ी सी ये जो है 3 चाय के चम्मच जो है ना वो शुगर ऐड करूँगी। मेक श्योर करें जब आप चूरी बनाएं तो आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अब इसमें हम ये मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी, मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूं। आप इसको देसी घी के साथ भी बना सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा बटर खाना पसंद है और मैं अपने बेटे को भी बटर ही देती हूँ। बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, उनकी उनके खाने में थोड़ा बहुत ज़रूर आप ऐड किया करें। अब इसको अच्छे से जो है हम ऐसे कर लेंगे, इसके मसल लेंगे अच्छे से। आप अगर शुगर की जगह जो है वो शक्कर भी है वो ऐड कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही होता है बच्चों के लिए। आप इसमें जो है वो ड्राई नट्स भी इसमें ऐड कर लें। मेरे पास सब, क्योंकि मेरा बेबी भी वो छोटा है, तो मैं ज़रा उसको वो ड्राई नट्स जो होते हैं वो खाने में उसको थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो मैं नहीं देती हूँ। अगर पाउडर फॉर्म में हो तो वो इजीली वो खा लेता है। ये देखिए, तो ये मज़ेदार सी हमारी देसी चूरी जो है वो तैयार है। ये बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं, और हमारे घर में तो ये तकरीबन सभी शौक से खाते हैं, बच्चे भी बड़े भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी छोटी सी एक रेसिपी जो है वो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी अच्छी लगती है ये वीडियो, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ फीडबैक दें अपना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरे जो चैनल है उसको कि मेरी एक छोटी सी रेसिपी जो बच्चों के लिए थी, छोटे बच्चों के लिए, बड़े भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी आज की ज़रूर पसंद आई होगी। ये एक छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, और बहुत कुछ सीखने से आपको मिलता है, और आप भी अपने जो है वो बच्चों की जो है ईटिंग हैबिट्स बताएं, वो क्या खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। तो इसी तरह हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जो है वो वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक दें। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।